हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल, स्वागत है आप सबका। इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ और सुबह के 10 बज रहे हैं। कल यहाँ पर काफ़ी बारिश हुई है दिल्ली में और अभी भी मौसम पूरा बादलों वाला है। ये जगह दिल्ली का कश्मीरी गेट है जहाँ पर मैंने स्टे लिया था और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ चोर बाज़ार के लिए। दिल्ली का चोर बाज़ार काफ़ी फेमस है तो मैंने सोचा चलो चोर बाज़ार देख कर आते हैं और आपको दिखाते हैं। चोर बाज़ार लाल किले, हाँ वही। कितना? 40 रुपये लेते हैं यार भाई, मेरे जान से निकल कर जाना पड़ता। चलो 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 चलो, ठीक है चलो। क्या हुआ? मैं किसी को धोखा देना ही नहीं चाहता। अच्छा, 10 रुपए का घाटा क्यों लगेगा? चिंता मत करो, आपको कोई घाटा नहीं होने देंगे। चलो एक बात कर रहा हूँ, आज संडे है इसीलिए आज ट्रैफिक कम है दिल्ली में। मैं बिहार का हूँ। अच्छा, बिहार के हो? हाँ। अच्छा, कितना टाइम हो गया दिल्ली में? दिल्ली में तो बहुत टाइम हो गया मेरे सर। अच्छा, ये रिक्शा ही चला रहे हो? नहीं, पहले कोई और, मतलब जैसे कि बिंदिया कटिंग होती ना वो। अच्छा, बिंदी कटिंग वाला? हाँ। अच्छा, वो करते थे? हाँ वो करते थे कटिंग। ऑटो कैसे चला रहे हो? ये उसमें बचत नहीं है सर। बचत नहीं है उसमें? बचत नहीं है, महंगाई है, क्या करे। 300 रुपये 400 रुपये दिन बहते थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो कितना कमा लेते हो ऑटो में? इसमें कमा लेता हूँ 600 कभी 700 रोज का। हाँ। अच्छा, बढ़िया है ना। हेलो गाइस, हमारा बुखार है, हमें एक भी भूख भूख नहीं मिल रहा है और भाई अब वीडियो बना रहे फ्री में। आई नीड ओनली 10 रुपीज, देखे जाओ फेमस हो जाओगे आप। और रियली आई एम ऑलवेज फेमस। ओके, ये जाओ। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज रोशनी। रोशनी, वेरी गुड। देखे जाओ जस्ट एंड वायरल कर दो मुझे। हमको डिस्काउंट है स्पेशल मीडिया वालों को। जाओ जाओ, नहीं दे रहा है भाई अब मुझे 10 रुपए। देखो मैं वीडियो बना रहा है कैसे, लिख जाओ। अरे अरे, हेलो। हाँ जी, संडे के दिन में वैसे ट्रैफिक है, मेन रोड पर आए तो पता चला। सूचित किया जाता है। तो मैं आ गया हूँ दिल्ली के चोर बाज़ार पर। पीछे लाल किला है और ठीक यहाँ पर इसके सामने लगता है चोर बाज़ार। तो चलते हैं चोर बाज़ार को घूम कर देखते हैं। तो यहाँ से चोर बाज़ार शुरू होता है और करीब 1.5 किलोमीटर आगे तक है रोड के साइड साइड पर। और अंदर यहाँ पर कुछ गलियाँ वगैरह है, मोहल्ले हैं, वहाँ पर भी लगता है। क्योंकि इसका नाम चोर बाज़ार है तो यहाँ पर चोरी का माल बिकता है और उसके अलावा कुछ ये लोग बेचने के लिए अलग से भी लाते हैं। चोर बाज़ार में आओ तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर चोर बाज़ार में हमारा सामान भी चला जाता है तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, अपना पर्स मोबाइल बचा के रखना पड़ता है। चोरी काफ़ी होती है यहाँ पर क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है। तो यहाँ पर ये जूते हैं, कितने का है? 1100 रुपये का। 1100? कितने का देते हो? 700 लगेगा। ये सब ओरिजिनल है? फर्स्ट कॉपी हो रहा सर। फर्स्ट कॉपी है? अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर सारे जूते हैं देखो आप, फर्स्ट कॉपी के हैं ये। और 1100 इन्होंने बोला था और उसके बाद में इन्होंने बोला 700 में पड़ेगा, अगर बार्गेनिंग कराएंगे तो शायद 400-500 में भी मिल जाएगा। तो ये है पर्स, 100 रुपये का एक है। भाई साहब कितने का पड़ेगा ये? 100 रुपये फिक्स रेट है? चोर बाज़ार में भी फिक्स रेट है? फिक्स करके भेजते हैं, अगर मोल भाव करें फिर तो दुकान वाला 250-200 ना भेजते। अच्छा ऐसा? हाँ। कोई बात नहीं, वैसे भी लेकिन 100 रुपये में क्या मिलेगा? 100 रुपये का बढ़िया पर्स है, लेदर पर्स है ये। तो मेरा पर्स फट गया है तो ये पर्स मैं ले रहा हूँ। चोर बाज़ार में शॉपिंग की शुरुआत करता हूँ यहाँ से। लो भैया, ये जूते ओरिजिनल है या फर्स्ट कॉपी के? कॉपी है। कॉपी है पक्का? ओरिजिनल होगा तभी बोल नहीं सकते क्यों? ओरिजिनल जूते होंगे तो भी ये बताएंगे नहीं क्योंकि बोल नहीं सकते ना। ले लो एक मेरे से। ऐसा कितने का बेच रहे हो ये? 1200। क्या बात कर रहे हो यार, बहुत भाव है ना। कितने का? 150। अच्छा ओरिजिनल है। ये मार्केट सुबह जल्दी लगता है तो यहाँ पर बताते हैं कि सुबह जल्दी आना चाहिए 6 बजे के आसपास, काफ़ी भीड़ होती है बाद में। अभी लगभग 10:30 बजे है लेकिन काफ़ी भीड़ है, देखो आप, चलने की जगह नहीं रहती है बाद में यहाँ पर। दोर में, दोर में, दोर में, दोर में, दोर में, आयो भाई।
100 रुपए का, 100 रुपए का। देखो आप शॉपिंग करने के लिए बेस्ट है, लेकिन ये इतना मुझे पता चल गया यहाँ पर आके। दाग लगा क्या? ये सब छोटा छोटा है, अगर ये फूल होता तो मैं लेता। ये सारे कैपरी है, यहाँ पर ये सारे पक्षी भी मिलते हैं। देखो आप कितने का ले हैं ये, 100 रुपए। बहुत सही है यार, मेरा मन तो कर रहा है शॉपिंग करने का, लेकिन मुझे कम से कम 10-12 दिन घूमना है, और ऑलरेडी मेरे पास में एक बड़ा बैग है, इसलिए मेरी मजबूरी है शॉपिंग नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं फ्री होता है, यहाँ से सीधा निकलना होता, तो मैं ज़रूर शॉपिंग करता। सुबह कितने बजे लगता है मार्केट? 3 बजे सुबह, रात को 3 बजे से। और ये रात को कितने बजे चलता है? 8 बजे तक। अच्छा, कितने का है ये? 100 रुपये। 100-100 रुपये, देखो आप कितना बढ़िया है। होता है लोकल में कंपनी का होता है? हाँ नहीं, सब अच्छा है, वो तो दिख रहा है, मटेरियल बहुत अच्छा है इसका, सब ब्रांड होता है। ये सारी चीज़ें जब हम बाज़ार में लेने जाते हैं तो 500 से लगा के 1500 मिलती है, और चोर बाजार में ये सारी 100 रुपये मिल रही है। दुकान पे इतने का ही मिलेगा? हाँ, बहुत सस्ता है भाई। कितने का है? कितने? 100 पैकेट। 4 पैकेट मतलब ऐसे ऐसे 4 पैकेट? अच्छा, ये 4 पैकेट 100 रुपए के। 4 पैकेट 100 रुपए के जी भाई। ये देखो भाई, भाई 12 जोड़ी है, 12 जोड़ी। इतने सारे 100 रुपए के? आज ये 100 की 12 जोड़ी भाई, 12 जोड़ी है ये। इतना सारा लेके कहाँ जाएंगे भाई? पहनो फेंको और क्या लेके जाओगे? पहनो फेंको। धोने वाले काम खत्म कर दिया भाई, अब कुछ वाले सोनू मोनू के। अच्छा, 150 के 2। अच्छा, बच्चों के टी शर्ट है, देखो आप 150 के 2। बच्चे पूछेंगे पापा दिल्ली से क्या लाए हैं? बच्चे पूछेंगे पापा दिल्ली से क्या लाए? बच्चों को पता है पापा घूमते हैं, कुछ लेके नहीं आते हैं। ले जाता मैं लेके जाऊँ 100 रुपए का। हाँ जी भाई, 100 रुपए का कोट है। बोलो, कोट मिल रहा है 100-100 रुपए में, ब्लेजर 100 रुपए। हाँ भाई, 100 रुपए बढ़िया, 100 रुपए कोट है। लैपटॉप भी बिकते हैं यहाँ पे, ये सब चालू है लैपटॉप? आपका नहीं कर रहा हूँ, चालू है। अच्छा, ये देखो डीओ मिल रहे हैं 3-3 के पैकेट में। कितने कितने का है ये? कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। ये ऐसे तो बता दे, तेरे ऊपर नहीं है। कितने का है? 200 रुपए का है। 200 का 3। अच्छा, ये सब ओरिजिनल है? अच्छा, सर हेडफोन है। आओ भाई, कितने के ये? ओनली 100 रुपए सेल पड़े भाई। खाली 100 रुपए के? ओनली 100 रुपए। चेक करके देते हो इसको? बिल्कुल, एक एक पीस चेक करके ले आओ बड़े भाई। अच्छा, सिंगल पीस की भी रिप्लेसमेंट भी हो जाएगा। अच्छा, रिप्लेसमेंट भी करते हो? हाँ, 100 रुपए में रिप्लेसमेंट। 100। अच्छा, वो पर्स तो हमने ले लिया, यहाँ पर भी पर्स मिल रहे हैं। कितने का है? 150 की 2। 150 की 2। अच्छा, घड़िया मिल रही है, देखो आप। ये वॉच कितने का है? 450। सब एक ही रेट का है? अच्छा, अच्छा, हमारे सब्सक्राइबर मिल गए, देखो यहाँ पर भी। आप ये ड्राई फ्रूट का स्टॉल लगाते हो? अच्छा, दिल्ली घूम आए? हाँ, दिल्ली घूम लिया है, अभी थोड़ा 3-4 घंटे फ्री थे तो सोचा चलो चोर बाजार घूम के आते हैं। अच्छा, हाँ नहीं कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ ना मेरे साथ वीडियो में आपको। ये हमारे सब्सक्राइबर है, यहाँ पर सब्सक्राइबर मिल गए चोर बाजार में। ये क्या रेट आप देते हो यहाँ पे? 650 का 1 किलो। और ये बादाम? 600 रुपये। चलिए, धन्यवाद। सामने जामा मस्जिद है, तो लाल किला से जामा मस्जिद के बीच में ये पूरा चोर मार्केट लगता है, मेन रोड पर और अंदर की तरफ। घरेलू सामान भी मिलता है यहाँ पर। कैमरे बिक रहे हैं यहाँ पे, देखो। कितने कितने वाले हैं? 20,000 का पड़ेगा। 20,000। मॉडल कौन सा है ये?
व्यू कैमरे आते हैं भाई। अच्छा लेंस भी अच्छा है इसका, 10,000 से लगा के 20-25,000 तक की रेंज में यहाँ कैमरा मिल रहा है। तो इस चोर बाजार में हर तरह की चीज़ मिलती है, जो चाहिए आपको मिलेगा यहाँ पर, और काफ़ी सस्ता सस्ता मिलता है। तो अगर दिल्ली आते हैं तो चोर बाजार में आने जैसा है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है अपना कीमती सामान। है 100 रुपये का है ये, 100 रुपये का है ये, भाई साहब बता रहे 100 रुपये का है। 40 रुपये का ये, 20 रुपये। मजाक कर रहे हो यार, नहीं बनाते तुम लोग यार। अरे 15-15 से 2-2 हज़ार के जूते को तुम बोल देते हो ये 200 का मिल रहा है। अरे मैंने क्या बोला भाई, अभी तक बोला है क्या मैंने कुछ? मैंने अभी तक नहीं बोला भाई। तो यहाँ पर काफी सारे यूट्यूबर आकर गलत गलत थंबनेल पर रखते हैं 20 रुपये का जूता, 30 रुपये का जूता, तो ये नाराज हो जाते हैं कि वीडियो मत बनाओ, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो लोग यहाँ पर आके 20-30-50 रुपये में जूते मांगते हैं, तो ये भी गलत है। तो जो जेन्यून है वही बताना चाहिए। वैसे तो मुझे जूते भी लेने हैं, लेकिन सस्ते वाले तो जूते मैं लूँगा नहीं, और ब्रांडेड जूते यहाँ पर मिल रहे हैं जो 8-8, 10-10 हज़ार के होते हैं, वो वाले 2500-2000-1500 मिल रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता, इसीलिए मैं यहाँ से जूते नहीं खरीद रहा हूँ। ₹500 का एक। अच्छा पिजन है, देखो आप 500 रुपये में एक देते हैं यहाँ पर ये। ₹100 के दो पीस। अच्छा मात्र ₹100 में दो। 200 200 200। तो एक घंटा में चोर बाजार में घूमा और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें अंदर, सब तरह का सामान मिलता है आपको यहाँ पर, ओरिजिनल भी मिलता है, डुप्लीकेट भी मिलता है, और फर्स्ट कॉपी भी मिलता है, जैसा आपको चाहिए अलग अलग मिलेगा, और चोरी का सामान भी मिलता है। अंदर मैं वीडियो शूट कर रहा था तो वहाँ पर कुछ पुलिस वाले थे, तो उन्होंने बताया कि आप कैमरा बंद कर दो और अभी आप यहाँ से बाहर निकल जाओ, नहीं तो अगर आपको किसी ने देख लिया तो यहाँ के लोग आपको पकड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनकी रोजी रोटी होती है और यहाँ पर चोरी का सामान भी बिकता है, तो वो अगर देख लेते हैं कि कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है तो उसका कैमरा वगैरह सब छीन लेते हैं और मारामारी भी करते हैं। तो इसीलिए फिर पुलिस वाले ने मुझे बोला तो मैं बाहर की तरफ आ गया। अच्छा था चोर बाजार, अगर आप दिल्ली आते हो तो जा सकते हो, यहाँ पर काफ़ी सारा सामान सस्ता सस्ता मिलता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, खास करके अपने मोबाइल पर्स और कीमती चीज़ों का, यहाँ पर आपकी खुद की चोरी हो जाएगी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो चोर बाजार का एक्सपीरियंस ले लिया मैंने और अभी यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये चांदनी चौक की गलियाँ हैं, क्योंकि आज संडे है तो यहाँ पर सभी दुकानें बंद है, बाकी यहाँ पर चलने की भी जगह नहीं होती है। तो अभी मैं आ गया हूँ जंग बहादुर कचौड़ी वाला पर, इनकी कचौड़ी दिल्ली में काफ़ी फेमस है, तो इनकी कचौड़ी टेस्ट करके जाएंगे यहाँ से। सर जी कचौड़ी खिलाइए। तो ये हाफ प्लेट है एक कचौड़ी की 30 रुपीज़ की, फुल प्लेट 60 रुपीज़ की है। एकदम नमकीन है ये, मसालेदार। भाई साहब कितने साल हो गए आपको यहाँ? 60। तो 60 साल से भाई साहब कचौड़ी बेच रहे हैं यहाँ पर। तो जंग बहादुर की कचौड़ी हमने खाई और काफ़ी नमकीन कचौड़ी थी, मसालेदार एकदम। और अभी यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर अक्षय कुमार का घर है, तो देखते हैं। एकदम सकड़ी सी गलियाँ हैं, देखो आप कितनी पतली पतली गलियाँ हैं। बहुत पुराना घर है, बहुत पुराना घर है, सारे इधर पुराने घर है। अक्षय कुमार का घर है ये। अच्छा गोपाल है मार्केट, नाम क्या इसका? क्या बोलते हैं, गुटका खाए हुए। गुटका खाए हुए, दिल्ली की पहचान है ये। गुटका वाले, गुटका वाले। तो इसे छत्ता मदन गोपाल कहते हैं और यहाँ पर अक्षय कुमार का घर है, देखते हैं चलो। तो ये शिव मंदिर है और शिव मंदिर के ठीक सामने यहाँ पर ये है अक्षय कुमार का घर।
ये जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पर रहते थे वो चांदनी चौक में, अभी तो ये बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये मंदिर है, मैंने आपको बताया, ये मंदिर के पुजारी है, क्या नाम है आपका? मेरा कृष्ण मोहन मिश्रा। तो ये मिश्रा जी है और ये भी यहीं पर बड़े हुए हैं, बताइए इस जगह के बारे में। यहाँ से इनकी पैदाइश यहीं हुई है। अच्छा। अपने मामा मामी और नाना नानी के साथ रहते थे। अच्छा। जब ये 18 साल के हो गए हैं उसके बाद ये फिल्मी दुनिया में चले गए। अच्छा, मतलब बचपन यहीं गुजरा है। उनका यही गुजरा है। अच्छा, तो अक्षय कुमार अपने नानी के साथ रहते थे। हाँ। वैसे ये इनका मेन घर नहीं था, लेकिन उनकी पैदाइश यहाँ हुई है और बचपन यहाँ बीता है। हाँ। नानी के यहाँ। तो अभी हम आ गए हैं पराठे वाली गली में। तो ये है गया प्रसाद शिव चरण, 1872 से ये दुकान है पराठे की, तो यहाँ पर पराठा खाकर जाएंगे। मेनू है देखो आप, अलग अलग पराठे हैं सारे, 200 रुपये से स्टार्ट है और 2 पीस पराठे आते हैं एक प्लेट में। तो यहाँ पर ये पराठे फ्राई हो रहे हैं और ये देसी घी है, ऑयल नहीं है। अच्छा, ये वाला घी यूज़ करते हैं लोग एवरीडे का, नेस्ले का। तो देसी घी में पराठे फ्राई होते हैं, उसके बाद हमें मिलते हैं। तो हमारी प्लेट लग गई है, मैंने मिक्स वेज पराठा मंगवाया, ये 2 पराठे हैं और उसके साथ में एक आलू की सब्जी, आलू मटर, और ये आलू मेथी है, और ये है कद्दू की सब्जी, और ये 2 चटनी है, बाकी ये अचार वगैरह मिलता है साथ में। पराठे को फ्राई किया है लेकिन फिर भी सॉफ्ट है, मुझे लगा हार्ड होगा ये, तो सॉफ्ट है पराठा। पराठे के अंदर में मिक्स वेज के साथ साथ पनीर भी है, ये कद्दू की सब्जी है। ये आलू मेथी की सब्जी है, इसको ट्राई करते हैं। इनकी जो सब्जियां है वो टेस्टी है, बहुत बढ़िया है। ये कुछ चटनी है, चटनी खा के देखते हैं। ये केले की चटनी थी और ये पुदीने वाली चटनी है। ये लोग जो कॉम्बो बनाकर देते हैं 3 सब्जी और 2 चटनी के साथ, काफ़ी बढ़िया है। भाई साहब यहीं के हैं, दिल्ली के, आप यहाँ रेगुलर आते हैं? बहुत स्वाद जी, पराठा बहुत स्वाद है और हम तो हर हफ्ते ही आ जाते हैं। अच्छा, हर हफ्ते आ जाते हैं, खाने के शौकीन है। आपका फेवरेट पराठा कौन सा है? फेवरेट गोभी का मेन है, बाकी फेवरी दूसरे भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पराठा खा लिया, बहुत ही बढ़िया था, टेस्टी था, और साथ में जो 3 सब्जी और जो चटनी थी वो बहुत मज़ेदार थी। मज़ा आ गया और मेरा पूरा पेट भी भर गया, काफ़ी हैवी होता है इनका पराठा, एक प्लेट ही हम खा सकते हैं, इतना हैवी होता है ये, क्योंकि ये शुद्ध घी में बनता है इसके लिए, तो पूरा पेट मेरा भर चुका है। हमारे दादाजी गया प्रसाद जी ने ये स्टार्ट किया था 1872 में। अच्छा। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलता हुआ आ रहा है। अच्छा। पहले 4 ही पराठे मिलते थे, आलू दाल बेसन मेथी परत वाला, ये बाकी सब मैंने ऐड करे हैं। दो नए पराठे ऐड हो गए हैं, स्पेशल चीज़ और पेरी पेरी पनीर। समय के साथ बदलाव करना पड़ता है। तो आप कौन सी पीढ़ी है अभी? मैं 5th हूँ, रिटायरमेंट। आप 5th रिटायरमेंट पे हो? आपके बाद फिर मेरे बच्चे आएंगे। अच्छा। तो ये अनिल शर्मा जी है, यहाँ के ओनर है, और ये 5वीं पीढ़ी है, और ये है यहाँ की 6ठी पीढ़ी। क्या नाम है आपका? आकाश। तो ये आकाश जी है और ये 6ठी पीढ़ी है ये शॉप को चलाने वाले। इतने सालों से आपका ये शॉप चल रहा है, तो अभी आजकल तो नई जनरेशन कुछ बदलाव चाहती है। जी, तो बिल्कुल, मैं इसे मॉडर्न करता जा रहा हूँ और हाइजीन का ध्यान रख रहा हूँ। अच्छा। नए पराठे एड्स हो रहे हैं, नई स्टफिंग जो लोगों को पसंद आ रही है आज की जनरेशन। अच्छा। तो ये पराठे वाली गली है, यहाँ पर पहले काफ़ी सारी दुकानें थी पराठे की, फूड स्टॉल काफ़ी सारे थे, अभी इतने नहीं है, तो इसका नाम उस समय से पड़ा हुआ पराठे वाली गली। और ये रेस्टोरेंट जहाँ पर हमने पराठे खाए, पंडित गया प्रसाद शिव चरण। तो करीब 2 घंटे में चांदनी चौक में घूमा और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी सही है यहाँ पर घूमने का एक्सपीरियंस, पूरा अलग है। तो दिल्ली अगर आते हो आप तो चांदनी चौक ज़रूर आना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा,
रियल दिल्ली की वाइब्स यहाँ पर आएगी आपको। अभी मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ और आज मुझे दिल्ली से आगे बढ़ना है हरियाणा की तरफ। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आप जो